अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी का हम चैप्टर नंबर स्टार्ट करेंगे 25, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम को पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। यानी वर्ड यहाँ पे एक है इकोलॉजी। इकोलॉजी बेसिकली एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम स्टडी करते हैं, और ये इकोलॉजी का वर्ड लिया गया है ग्रीक वर्ड ओइकोस से, जिसका मीन होता है द फैमिली हाउस होल्ड। एंड लॉजी मीन क्या होगा? द स्टडी ऑफ। फैमिली हाउस होल्ड मतलब क्या होता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे होते हैं और इनका आपस में काफ़ी इंटरलिंक होता है, बाय बर्थ बाय यानी इनके यानी शेप्स के हिसाब से काफ़ी लिंक होता है, यानी जो शुरू से एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं जस्ट लाइक फैमिली की तरह। तो उसकी जो स्टडी होगी उसको हम क्या नाम देंगे? इकोलॉजी। अब ये जो इकोलॉजी की टर्म है ये सबसे पहले कॉइंड मीन मतलब डिवेल्प बाय प्रपोज बाय द जर्मन जोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकल इन 1866। यानी 1866 के अंदर अर्नेस्ट हैकल ने ये टर्म डिवेल्प की थी, लेकिन उसने इकोलॉजी की बजाय ओकोलॉजी का वर्ड यूज़ किया था। एंड डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एनिमल्स टू देयर इन्वायरमेंट। यानी इन्वायरमेंट के साथ किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन जो होगा उसको क्या नाम देंगे? इकोलॉजी का नाम, या इकोलॉजी का नाम दे देंगे। अब जो इन्वायरमेंट होता है वो क्या होता है? इन्वायरमेंट बेसिकली क्या होता है? फिजिकल कंडीशन उसमें होती हैं और बायोलॉजिकल कंडीशन होती हैं जिनके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहा होता है। अब इन फिजिकल कंडीशन और इन बायोलॉजिकल कंडीशन के साथ उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरलिंक करना, रिलेट करना लाजमी होता है। और वो जो बायोलॉजिकल कंडीशन होती है वो अभी हम डिफाइन आगे करेंगे कि वो कौन सी हो सकती हैं और फिजिकल कंडीशन कौन सी हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम जो है इकोलॉजी का मेजर यूनिट है। इसमें क्या करते हैं? यानी ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट विद इन द कन्फाइंस ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या हो सकते हैं? ये डिफरेंट इकोसिस्टम हमारे इंडिकेट प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक लिमिट्स के अंदर रहते हुए क्या करते हैं? अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। द इको पार्ट ऑफ द वर्ड इज रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट। यानी इको मीन क्या होगा? एनवायरनमेंट। और सिस्टम मीन क्या होगा? कलेक्शंस ऑफ रिलेटेड पार्ट्स, कलेक्शंस ऑफ रिलेटेड पार्ट डेट फंक्शन एज अ यूनिट। क्योंकि वो पूरा जो इकोसिस्टम होता है उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, वो सारे के सारे क्या कर रहे होते हैं? एक साथ मिल के काम कर रहे होते हैं। इन्वायरमेंट के ऐसे कंपोनेंट जो एक साथ मिल के काम कर रहे होते हैं उसको हम क्या नाम देंगे? सिस्टम का नाम देंगे। और इको मीन क्या होगा? इन्वायरमेंट। द इकोसिस्टम, अब बेसिकली अभी हम डिफाइन करने लगे, जो इकोसिस्टम होता है वो टू कंपोनेंट पे कंसिस्ट होता है। वन इज कॉल्ड लिविंग और बायोटिक कंपोनेंट, एंड अदर इज कॉल्ड फिजिकल और ए बायोटिक कंपोनेंट। यानी जो लिविंग होंगे उसको बायोटिक कंपोनेंट, जो फिजिकल होंगे उनको ए बायोटिक कंपोनेंट। अब फिजिकल यानी जो बायोटिक कंपोनेंट है वो कौन कौन से हो सकते हैं? एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईटीसी। इसके अलावा और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, यानी हम जहाँ पे रह रहे हैं तो हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमारे इर्द गिर्द जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो सारे के सारे हमारे लिए बायोटिक कंपोनेंट कहलाएंगे। एंड ए बायोटिक कंपोनेंट मीन एटमोसफियर, क्लाइमेट, सॉइल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन गैसेज, ये सारे के इसमें आएंगे ए बायोटिक कंपोनेंट के लिए आएंगे। तो ये जस्ट लाइक ऐसे कि एक लिविंग, आप खुद एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आपके बाहर जितना भी होगा वो आपके लिए इन्वायरमेंट कहलाएगा। वो इन्वायरमेंट दो तरह के कंपोनेंट पे है, बायोटिक कंपोनेंट और ए बायोटिक कंपोनेंट। और इन्वायरमेंट पूरा का पूरा एक साथ हम डिस्कस नहीं करते, उसको डिफरेंट पार्ट्स के अंदर हम, यानी उसके डिफरेंट पार्ट्स हमने बनाए हुए हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम का नाम देते हैं। यानी उसमें फॉरेस्ट वाला है, डेजर्ट वाला है, वाटर वाला है, तो ये सारे के सारे के इकोसिस्टम की कैटेगरी में है। यानी इसको डिवाइड किया हुआ है, हर इकोसिस्टम की अपनी अपनी क्या होती है? कंडीशंस होती हैं, अपने में अपने बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म डेट इनहेबिट एन इकोसिस्टम टू मेक अप एन पॉपुलेशन। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में इकट्ठे रह रहे होते हैं, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में इकट्ठे रह रहे होते हैं, मिलकर के क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन बनाते हैं। पॉपुलेशन क्या है? ये आपने पढ़ा हुआ, बड़ी दफ़ा पढ़ा हुआ, लेकिन दोबारा हम इसको रीड आउट कर लेते हैं। पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स, सेम स्पीशीज से होने चाहिए। यानी सेम स्पीशीज से नहीं होंगे तो उसको आप आउट ऑफ नेचर के ले जाएंगे, वो फिर स्पीशीज की कैटेगरी यानी स्पीशीज कंसीडर ही नहीं होगी। तो ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स अकरिंग टूगेदर इन स्पेस एंड टाइम। यानी किसी जगह के अंदर, किसी जगह पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उस टाइम के अंदर प्रेजेंट होंगे उसको हम क्या नाम दे देंगे? पॉपुलेशन। जैसे लाहौर के अंदर इस वक्त, यानी पूरे लाहौर के अंदर जो इस वक्त प्रेजेंट है इंसान, उसको यानी ह्यूमन, उसको ह्यूमन पॉपुलेशन का नाम दे देंगे। अब उससे पहले जो होती है या उसके बाद जो आने वाले उसको हम काउंट नहीं करेंगे, या लाहौर की पॉपुलेशन काउंट करते हुए हम कराची की बात नहीं करेंगे, इस्लामाबाद की बात नहीं करेंगे, जस्ट लाहौर ही की बात करेंगे। तो इस वजह से इन स्पेस एंड टाइम,
पॉपुलेशन प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं ये इकोसिस्टम के अंदर इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर सकते, यानी ये पॉपुलेशन जो होती हैं ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं, और जब डिपेंड करेंगी तो ऑटोमेटिकली फिर एक नया लेवल आ जाएगा, उस लेवल को हम क्या नाम दे देंगे, कम्युनिटी का नाम देंगे। पॉपुलेशन जो होती हैं यानी पॉपुलेशन के जो डिफरेंट पॉपुलेशन जो होती हैं वो कम्पीट करती हैं, क्योंकि एक जगह के अंदर लाजमी नहीं है कि एक ही पॉपुलेशन और बहुत सारी पॉपुलेशन एक साथ रहती हैं, जैसे हमारी इस बात कर लें हमारी पॉपुलेशन यानी ह्यूमन पॉपुलेशन के साथ बाकी और भी बहुत सारी पॉपुलेशन हैं, तो वो क्या करती हैं, कम्पीट करती हैं सारी पॉपुलेशन फूड के लिए, वाटर के लिए, स्पेस के यानी रहने के लिए, पानी के लिए, बाकी जितने भी बायोटिक कंपोनेंट होते हैं उन सब के लिए उनके दरमियान कॉम्पिटिशन, जैसे एक क्लास के अंदर यानी एक पॉपुलेशन है ना सारे स्टूडेंट्स में, वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रहे होते हैं मार्क्स के लिए, तो इस तरह जो इतनी भी पॉपुलेशन होती हैं उनके मेंबर आपस में भी यानी अपने ही मेंबर के साथ कम्पीट करते हैं और बाकी पॉपुलेशन के मेंबर के साथ भी क्या करते हैं, कम्पीट करते हैं। तो वन पॉपुलेशन इज़ द फूड रिसोर्स फॉर अनदर, यानी एक जो पॉपुलेशन होती है वो दूसरे के लिए फूड रिसोर्स बन जाती है, जैसे हमारे लिए जितने भी प्लांट्स हैं या जितने भी दूसरे एनिमल लिविंग एनिमल्स हैं वो हमारे लिए फूड का सोर्स होते हैं। टू पॉपुलेशन में म्यूचुअली बेनिफिट ईच अदर, यानी वो एक दूसरे के साथ इकट्ठा काम करके भी दोनों बेनिफिट उठा सकते हैं। ऑल पॉपुलेशन विद इन एन इको सिस्टम आर नोन एज कम्युनिटी, यानी जब वो म्यूचुअली यानी इकट्ठे मिलके पॉपुलेशंस काम करते हैं तो ये जो इंटरेक्शन होता है पॉपुलेशंस का, यानी जब पॉपुलेशंस का आपस में इंटरेक्शन होगा उसको कम्युनिटी का नाम है, क्या नाम देंगे, कम्युनिटी। एंड आर आपस क्या होता है, वन और अनदर मैनर इंटरकनेक्टेड टू वन अनदर, यानी ये जितनी भी पॉपुलेशन होती हैं ये एक या एक से ज़्यादा तरीक़ों से क्या होती हैं, आपस में इंटरेक्ट कनेक्टेड होती हैं। अब इकोसिस्टम को अगर हमने डिस्कस करना है, अंडरस्टैंड करना है, तो उसके डिफरेंट लेवल्स में हम उसको डिवाइड कर लेते हैं। तो इसके डिफरेंट लेवल हैं, एक तो सबसे सिंपलेस्ट लेवल इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, यानी जो ऑर्गेनिज्म है वो एक इंडिविजुअल के बेस पे हम बात करें, जैसे मैन है रिस्पॉन्ड, यानी हम हर एक इंडिविजुअल के बेस पर अगर हम बात करेंगे तो उसको अंडरस्टैंड करना ज़्यादा आसान होगा एज़ कम्पेयर टू कि पूरी पॉपुलेशन की, यानी पूरे इंसानों की बात करना स्टार्ट कर दें या पूरे लाहौर की पॉपुलेशन की बात करना स्टार्ट कर दें तो वो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो बजाय फिर हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले एक इंडिविजुअल के ऊपर बात करते हैं, फिर एट द नेक्स्ट लेवल इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज फ्रॉम पॉपुलेशन, या फिर हम पॉपुलेशन की बेस पर बात करते हैं। अब जब पॉपुलेशन की बेस पर बात करेंगे तो पॉपुलेशन के किन फैक्टर्स को यानी किन चीज़ों को लेके हम क्या करेंगे, इन्वायरमेंटल फैक्टर इफेक्ट को डिस्कस करेंगे, यानी नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ग्रोथ रेट एंड एज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी पॉपुलेशन के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं जो ह्यूमन या बाकी जितनी भी स्पीशीज हैं अपनी अपनी पॉपुलेशन के अंदर रह रही होती हैं उनके कितने नंबर हैं, यानी पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, ग्रोथ रेट उनका क्या है, एज डिस्ट्रीब्यूशन उनके यानी किस कितनी एज वाले लोग उसके अंदर हैं, तो फिर पॉपुलेशन के अंदर हम इसकी बात करेंगे। फर्दर इंडिविजुअल ऑफ दिस पॉपुलेशन इंटरेक्ट, यानी वो पॉपुलेशन आपस में इंटरेक्ट भी करती हैं और क्या करती हैं, कम्युनिटी को बना रही होती हैं। जो मेजर टाइप के इकोसिस्टम होते हैं वो जियोग्राफिकली यानी ज़्यादा जगह को ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं। अब ऐसे इकोसिस्टम को जो ज़्यादा आप कह सकते हैं अबंडेंट होते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनको हम बायोम्स का नाम देते हैं। इन बायोम्स के अंदर प्लांट्स एनिमल, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है ना तो उनके अंदर प्लांट्स एनिमल्स और बाकी बहुत सारे जो पॉपुलेशन होंगी वो आपस में रह रही होंगी। इन द फुली डिवेल्प्ड क्लाइमेक्स कम्युनिटी, यानी एक पूरी कम्युनिटी के अंदर बहुत सारी पॉपुलेशन होती हैं, उन बहुत सारी पॉपुलेशन के अंदर बहुत सारी स्पीशीज होती हैं जो आपस में क्या करती हैं, इंटरेक्ट कर रही होती हैं। एंड इज़ करेक्टराइज बाई यूनिफॉर्म लाइफ फॉर्म ऑफ वेजिटेशन सच एज ग्रास और कॉनिफेरस ट्रीज, तो इसमें आपस क्या होता है, जो वो बायोम होते हैं वो यूनिफॉर्मली यानी लाइफ फॉर्म कर रहे होते हैं वेजिटेशन की, यानी हर एक स्पीशीज जो होती है वो बैलेंस तरीके से अपनी लाइफ पास आउट कर रही होती है। अगर वो बैलेंस नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली वो उस कम्युनिटी के अंदर कम्युनिटी का हिस्सा नहीं रहेगी। सम मेजर ट्रेडिशनल बायोम यानी इसमें फॉरेस्ट है, ग्रास लैंड है और डेजर्ट है, कंबाइंड द बायोम ऑफ एट यानी इसमें क्या होगा, प्लेनेटरी इकोसिस्टम बन जाएगी, यानी सारे बायोम मिलके क्या बना रहे होते हैं, इकोसिस्टम को बना रहे होते हैं।